नागपुर समेत जिले में अच्छी बारिश हो रही है, लेकिन उमस से अब भी पीछा नहीं छोड़ा है। यही वजह है कि संक्रमण बीमारियों के लिए पोषक वातावरण तैयार हो गया है। जगह जगह पानी जमा होने से मच्छरों का प्रकोप बढ़ा है, इससे डेंगू फैलता जा रहा है। अब चिकनगुनिया भी सिर उठाने लगा है। पिछले महीने भर के भीतर जिले में चिकनगुनिया के 4 नए मरीज मिले, जिनकी कुल संख्या अब 7 हो गई है। जिले में 24 जुलाई तक डेंगू के कुल 82 मरीज थे, इनमें से एक मरीज की मृत्यु प्रशासन के पास दर्ज है। अब ऐसे में मनपा के स्वास्थ्य विभाग ने एक बैठक का आयोजन किया गया, जिसमें डेंगू मलेरिया आई फ्लू जैसी बीमारियों के लिए विशेष मुहिम चलाने का फैसला लिया गया। ये बरसात के मौसम में दो बीमारियों का थोड़ा सा ज़्यादा बढ़ाव दिख रहा है, जैसा एक डेंगू है, डेंगू और कंजंक्टिवाइटिस जो आंखों की बीमारी होती है। आंखों की बीमारी में लगभग कल तक ऐसा भी करता 8,000 के ऊपर हमारे ओपीडी के, उसमें से 1,000 के ऊपर लोग ये थे, लगभग 12% लोग पॉजिटिव आते ओपीडी के। और डेंगू का जो फिगर है हमारा 779 का जो तपासनी हुई सस्पेक्टेड जो फीवर वगैरह थे उनको, तो उसमें से 81 केसेस पॉजिटिव आई है। तो इस तरह से ये सिंस जो डेंगू का जो फिगर है जनवरी से लेके जुलाई तक है, जो 2021 के कंपैरिजन में काफ़ी कम है। जो 2021 में अकेले जुलाई महीने में ही 384 केसेस पॉजिटिव थे, तो केसेस का बढ़ाव हो चुका है, जैसे कंजंक्टिवाइटिस और डेंगू। कंजंक्टिवाइटिस के लिए हमने जो है अपने ओपीडी है उसमें कंजंक्टिवाइटिस का रिपोर्टिंग मंगाई, उसके लिए गूगल शीट भी तैयार की है और रिपोर्टिंग आ रही है हमारे पास। उसके हिसाब से जो आंकड़ा मिला 1,000 के ऊपर पेशेंट मिले वो पेशेंट है, उसके लिए हमने आशा के हमारे पास से उनको आशा का क्या है कि 2000 पॉपुलेशन है, 500 घर रहते, उनके जो 500 घरों में उनको पूरे ज्ञात रहता है अपने घर में कौन से बच्चे क्या है, और वो हमेशा उनके विजिट होते रहते, उसके माध्यम से उनको किसी का आके आई है क्या हुआ है एक के बारे में जानकारी रहती, वो भी रिपोर्ट करते हैं। जैसे स्कूलों में भी कुछ जोन में मुझे यूपीएससी के अंतर्गत कोई स्कूल हो गई है, वहाँ हमने विजिट करने के निर्देश दिए ताकि वहाँ कुछ बच्चों को कंजंक्टिवाइटिस हो गया उनको भी नोट किया जाए और उसको आइसोलेशन में रखा जाए। कुछ ऐसी न्यूज अच्छी न्यूज़ मिली है कि कोई स्कूलों में बच्चे पॉजिटिव आते हैं तो उनको टीचरें उनको 2-4 दिन आने के लिए बंधन कर देती है ताकि वो बच्चे बीमारी कंजंक्टिवाइटिस की किसी को फैल नहीं फैले, ऐसे जो है उपाय योजना चालू है नागपुर सिटी में। और चिकनगुनिया के मरीज ऐसे कोई टेस्ट समझे डॉक्यूमेंटेड रिपोर्ट नहीं हुए, मुझे लगता है फीवर केसेस है ये, जैसा ये सीज़न में मैक्सिमम डेंगू के केस रहते, चिकनगुनिया और डेंगू के सिम्टम्स लगातार दोनों के सेम ही होते, जॉइंट पेंस है, फीवर है। तो ये हमारा जैसा विजयनगर जो एरिया भरतवाड़ा साइड में वहाँ काफ़ी रुग्ण मिले हैं, लेकिन अब 2021 से कंपैरिजन में कम है। उसमें भी हम कैंप्स लगा रहे जय हर एक एरिया में, आशा के एरिया में गए, यूपीएससी के एरिया में हो गए, और जहाँ भी वाटर लॉगिंग हो रहा है पानी की वजह से वहाँ हम स्प्रेइंग और फॉगिंग बड़ी मात्रा में हम कर रहे हैं ताकि वहाँ कीटाणु का नायनाट करे और उसका फैलाव ना हो। और जो सस्पेक्टेड फीवर केस है उनका सैंपल हम एलाजा टेस्ट के लिए भेजते हैं ताकि किसी को डेंगू पॉजिटिव है तत्काल हमको पता चले और उसका हम उसका भर्ती होना और ट्रीटमेंट के पॉइंट ऑफ व्यू से उनको काउंसलिंग और समुपदेशन कर सके। आज की बैठक का हमारे जो एक दो प्रोग्राम आ रहे हैं, एक फाइलेरिया का प्रोग्राम है जो 3 टाइप का ड्रग देते हैं, आइवरमेक्टिन है, अल्बेंडाजोल है और डाइथिल कार्बामेजिन, IDA प्रोग्राम बोलते हैं, वो हमारा 17 अगस्त से शुरू होने वाला है। ये प्रोग्राम इसके लिए है कि जो हत्ती रोग की बीमारी होती है ना उसका रोकने के लिए है, क्योंकि बीच में एक ट्रांसमिशन असेसमेंट कुछ फाइलेरिया का प्रवाह मुझे कुछ इन्फेक्शन सोसाइटी में चल रहा का इसका सर्वे हुआ था, तो उसमें काफ़ी लोगों में उसके एंटीबॉडीज मिले थे, तो वो नष्ट करने के लिए अगर ये गोली खिला दिए तो जो बिल्कुल शुरुआती लेवल में अगर एंटीबॉडीज है तो उसका फाइलेरिया का नायनाट कर सकते हैं, इसलिए वो 3 टाइप की गोलियाँ खिला जाता है। ये एक कार्यक्रम है। और दूसरा IMI है, इंटेंसिफाइड मिशन इंद्रधनुष, उसमें क्या होता है कि कुछ बच्चे कोई कारणवश जो उसकी कुछ एज होती है, जैसे बर्थ डोज जैसे 6वां महीना, 10वां महीना, 14 महीने में या 9 महीने में, 18 महीने में, ऐसे कुछ इंजेक्शन वो पीरियड में दिए जाना चाहिए, तो ऐसे कुछ बच्चे कोई कारणवश छूट जाते हैं या कोई रिफ्यूजल भी रहता है वो लेते नहीं,
तो ऐसे बच्चों का आइडेंटिफिकेशन करके हम मुहिम के माध्यम से उनको सभी टीकाएँ लगवाएंगे। ये मुहिम की शुरुआत ये लगातार 3 महीने में कुछ 4-5 दिन का ऐसा प्रोग्राम है, जैसे अगस्त में 7 से 12 है, नेक्स्ट अक्टूबर में भी है, सितंबर में, ऐसे 3 महीने में कार्यक्रम करेंगे। देखो डेंगू के माध्यम, डेंगू का ऐसे स्पेसिफिक दवाएँ नहीं है उनके लिए, जो वायरस का डिजीज है वो 7 दिन में ऐसा, अगर इम्यूनिटी प्रतिकार शक्ति अच्छी है तो वैसा भी कम हो जाता है, लेकिन जो 7 से 10 दिन वो काफ़ी उनको वाच रखना पड़ता, अगर उनको कुछ उनके प्लेटलेट्स कम हो रहे हैं, खून की जांच करवाना, अगर उसका कुछ मुझे पानी की मात्रा कम हो रही क्या, उसका वीकनेस तो नहीं आ रहा है, इस तरफ से हम सभी JNMO या हमारे वैद्य के अधिकारी उनके ट्रैकिंग मुझे फॉलोअप करने के लिए लगे, उनको पूछते जाओ क्या है, उनका न्यूट्रिशन के बारे में बताओ, क्या खाने से तुम्हारे प्लेटलेट्स बढ़ेंगे, इस तरह से समुपदेशन करते हैं। आई फ्लू के लिए हमने कुछ दवाई भी ली है, जो आई ड्रॉप्स है क्लोरामफेनिकल के नाम की, वो भी खरीदी कर चुके हैं हमारे, और वो हम UPSC लेवल पर उपलब्ध करा के देंगे। मनपाप्रेशन में हम जैसे अभी ये जब कंडक्ट, ये भी वायरल डिजीज़ एंटरोवायरस 40 के माध्यम से होता है, ये वायरल डिजीज़ के ज़्यादा ड्यूरेशन के लिए रहते भी नहीं, जल्दी खत्म हो जाता है, इसलिए हम जैसी भी आवश्यकता पड़ेगी वैसे ऐसे मेडिसिन हम उपलब्ध करवा देंगे। एकदम ज़्यादा खरीदी करने से क्या मतलब है, जो जैसा मंजूरी लेके रखे हमने वो जैसी रिक्वायरमेंट है हम उपलब्ध करा देंगे। महाराष्ट्र TV24 के लिए कैमरा पर्सन अमोल तुमसरे के साथ पारस बैसवारे, नागपुर। मोती ज्ञान को बढ़ाने वाला व धन प्रदान करने वाला रत्न है, व्यक्ति के व्यवहार को शांत करता है और निर्बलता को दूर कर चेहरे पर कांति लाता है। ये और ऐसे अन्य शुद्ध एवं सर्टिफाइड रत्नों के लिए आइए सिर्फ लोंधी ज्वेलर्स, 25 साल का शुद्धता का भरोसा, लोंधी ज्वेलर्स, सीताबड़ी और गोकुलपेट बाजार रोड, नागपुर। इस खबर के प्रायोजक है शिवशंकर आयुर्वेदिक क्लिनिक, अनुभवी डॉक्टर से सज्ज, सभी प्रकार के आयुर्वेदिक दवाइयाँ मिलने का एकमात्र स्थान। इनका पता शिवशंकर आयुर्वेदिक क्लिनिक, डॉक्टर मंगला केतकर हॉस्पिटल के सामने, महाजन मार्केट के पास, टेंपल बाजार रोड, सीताबर्डी, नागपुर।